अच्छा नाम था यूपीए, दस साल सत्ता में भी रह लिए थे, क्या प्रॉब्लम था भाई, नाम क्यों बदला? सारे घोटाले टोटल लगाया तो 12 लाख करोड़ के बाद मैंने टोटल छोड़ दिया। यूपीए टाटा ट्रक घोटाला किसने दिया? यूपीए वॉक के बदले डॉट का घोटाला किसने दिया? मित्रों नमस्कार। जब कंपनी दिवालिया हो जाती है या जिसकी साख खराब हो जाती है तो वो अपना नाम बदल लेती है, और इन्होंने भी अपना नाम बदल लिया। दरअसल संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों पर चुटकी लेते हुए कहा कि यूपीए सरकार के नाम 12 लाख करोड़ के घोटाले हैं, तो वह इस नाम से जनता के बीच कैसे जाते। इसलिए इन लोगों ने दिवालिया हो चुकी कंपनी की तरह अपनी साख बचाने के लिए अपने गठबंधन का नाम ही बदल दिया। अभी उनको अपने गठबंधन का नाम बदलना, अच्छा नाम था यूपीए, 10 साल सत्ता में भी रह लिए थे, क्या प्रॉब्लम था भाई, नाम क्यों बदला? आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, देश की जनता को सदन के माध्यम से बोलूं, इतने सारे घोटाले टोटल लगाया तो 12 लाख करोड़ के बाद मैंने टोटल छोड़ दिया। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार यूपीए के नाम पर चढ़े हैं, कैसे जाए बाजार में? अब जो कंपनी दिवालिया हो जाती है या साख खराब हो जाती है इसकी, तो वो नाम बदल दे, बोर्ड बदल दे, इन्होंने भी नाम बदल दिया। मान्यवर मान्यवर बोफोर्स, एक मिनट बस, बोफोर्स घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। 2G स्पेक्ट्रम किसने किया? यूपीए ने। सत्यम घोटाला किसने किया? यूपीए। कॉमनवेल्थ घोटाला किसने किया? यूपीए। कोयला घोटाला किसने किया? यूपीए ने। टाटा ट्रक घोटाला किसने किया? यूपीए ने। वोट के बदले नोट का घोटाला किसने किया? यूपीए। आदर्श घोटाला किसने किया? यूपीए ने। नेशनल हेराल्ड का घोटाला किसने किया? यूपीए। वाड्रा का डीएलएफ घोटाला किसने किया? यूपीए ने। चारा घोटाला किसने किया? खाद्य सुरक्षा बिल का घोटाला किसने किया? गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड घोटाला किसने किया? हर्षद मेहता शेयर बाजार का घोटाला किसने किया? हसन अली का हवाला घोटाला किसने किया? आईपीएल का घोटाला किसने किया? एलआईसी हाउसिंग का घोटाला किसने किया? मधुकोड़ा घोटाला किसने किया? फायर प्रॉन सबमरीन घोटाला किसने किया? और कांग्रेस अध्यक्ष की यात्रा का भी घोटाला किसने किया? अब साहब इनके पास नाम बदलने के अलावे कोई रास्ता नहीं रहा है। मैं आपको बताता हूं, हमें कोई नाम बदलने की जरूरत नहीं है कि 9 साल में और अटल जी के 6 साल में हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे सर झुकाना जा पड़े, सीना तान कर मैदान में जाए। मान्यवर मित्रों, अमित शाह के भाषण पर क्या सोचते हैं आप, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और आगे आने वाली नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सियाराम।